जिमावती। तो कह रही हो एक बार गांव रे मायने सगला लोग तीर्थ में जाऊन लगा, तो कर्मा भाई रे माता पिता ने भी क्यों कहा कहीं आलो तीर्थ करिए जो। अब वे क्या सा का मन तो रोज मानो नियम है ठाकुर जी ने भगवान रो भोग लगावान पूजा पाठ करा, क्या थोड़ा दिन मन कई तकलीफ है कर्मान कह जो वही कर ली वीर रेगा। लेकिन कर्मा भाई ने यूं नहीं कियो कि भगवान ने की कर जीमना है, भगवान ने भोग लगाई जो भगवान जी में बाद ने फिर जीम जो हावड़ हम जान गया कोनी खाली कैन गया अपरा। अब कर्मा भाई भोला आवे देखे कौन पे की कर पूजा करण कर कहीं है। और अगला दिन महाराज भगवान ने बड़े अच्छो को खींचड़ो अपन मारवड़े कहीं सो के बाजरी रो खींच लो बाजरी रो होगरा खाटो गवार पड़े रो हाग बढ़िया रहा बोड़ी, ये तो अपना पांच पकवान है सर महाराज। अबे बढ़िया खींचलो बनायो और दही रो बाट को भरियो और जान भगवान ने सामने लिख लो जिमो भगवान। अब ठाक होने के भगवान की कर जिम आकर भगवान तो भावरा भुका है भाव लगाया कर भगवान जिमो पर्दो कर अब पर्दो करियो को नहीं और क्या भगवान जिमो बैठ गया ओ हो काटा मारू थे हंका मोरो इन बात जिमो को नहीं वाह मैं क्या वाह मैं मान जाऊं जिम लो बे फाचाया थाली तवार यूर थाली बिरोड़ी। कर्मा भाई के फटाफट जिमो मनी भूख लगोड़ी है थे जिमो पच मैं तुम्हें जिमो मारा पिताजी माता जी कैन गया है तो जिम मैं को नहीं। एक दिन निकल गो दो दिन निकल गा तीन दिन निकल गा तो कर्मा भाई कई कह कर्मा बेटी जाट की वाह भोली है नादा। अरे भोला रो पतरा किसी री मारे भगतारो भगवान। अब ऊपर जो थोड़ा नाच लो तो गोंडा सही रह जाए। ये थाली भरने लाई रे कीचड़ो ये थाली भरने लाई रे कीचड़ो ऊपर की पाट की थाली भरने लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट की जीमो मारा सावरिया जिमावे बेटी जाट की जीमो मारा सावरिया जिमावे बेटी जाट की ए थाली भरने लाई रखी चिड़ो दोनों हाथ उठा कर दाएं साथ यहो मर जावेला उड़े भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही मर जावेला ए आज जिमाऊ तने खींचड़ो अरे आज जिमाऊ तने खींचड़ो साची राबड़ी काल की जिम मारा सावरिया जिमावे बेटी जाट की ओ जिम मारा सावरा जिमावे आली बजाओ सभी जाट की आली भरने लाई रे खींचड़ो
सारी मंदिर पट जड़ती बार बार में खोलती कैया कोनी बोले मोहन अरे कैया कोनी जी में मोहन कल्डी कल्डी बोलती कैया कोनी जी मोहन कल्डी कल्डी बोलती तू जी में तो जद में जीमू तू जी में तब में तो जीमो मानू ना कोई लात की जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की थाली भरने लाई रे खीचड़ो आ बजाओ ताली सभी भगवान जी ने क्यों कोनी पर्दो भूल गई सांवरिया पर्दो फेर लगायो जी ओ पर्दो भूल गई सांवरिया पर्दो और लगायो ताबड़ी यारी ओट बैठनी शाम खीचड़ो खायो जी ताबड़ी यारी ओट बैठने शाम खीचड़ो खायो अरे भोला भाला भगता से भोला भाला भगता से सावरिया किया आटकी जिमो मारा सावरिया जिमावे बेटी जाट की अरे जिमो मारा सावरा जिमावे बेटी जाट की ए थाली भरने लाई रे खीचड़ो जय हो हो तो कर्मा जैसी भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेला भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेलो भक्त मंडल प्रभु चरणा माई हर्ष हर्ष गुण गावेला भक्त मंडल प्रभु चरणा माई हरक हरक गुण गावेलो साचो प्रेम प्रभु से हो तो साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत भोले काट की दोनों हाथ ऊंचा कर लो आप और मीठी मीठी ताली बजा लो सभी अरे जीमो मारा सांवरिया जिमावे बेटी जाट की थाली भर ले लाई रे खीचड़ो ऊपर घी की पाट की जीमो मारा श्याम जनी जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की बोले भक्त भगवान की मैंने प्रेमी को नहीं मारू भगवान कद याद करा इतने मेरा कोई संकट पड़े कष्ट आवे हे भगवान मारी सहाय कर जो हे सती माता मारी सहाय कर जो जिनटे हमारा सुखी रहे तो कोई याद ही नहीं करे बस खाली माया में फंसियो डरे और जिनटे हमारा तकलीफ पड़े तो भगवान याद आवे तो कहवे नहीं के दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई और जो दुख में जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई तो अपन तो पर पहले जो भगवान ने भजना शुरू कर दो नहीं तो दुख आवे ही कोनी कष्ट आवे कोनी कल बगा आपने क्यों छुपे बताई नहीं के हनुमंत विपति प्रभु सोई और जब तब सुमिरन भजन ना होई राम जी पूछियो हनुमान जी ने हनुमान जी ते लंका में गया सीता मैया रो पतो लगाऊ ने थाने कोई तकलीफ तो नहीं आई कोई कष्ट तो नहीं आया कि भगवान कहीं तकलीफ आवे मैं तो पूरा गेले थानो नाम लेते हे राम जी रक्षा कर जो हे राम जी रक्षा करो जन कहीं तकलीफ आवे तकलीफ तो किन आवे जिको भगवान ने भूले भगवान का प्रेम ने भूले भगवान की कृपा ने भूले है एडा बढ़िया अपने माता जी जिरमत कृपा कर दे थोड़ा दिन तो दुखी रह जाना बेटा हे सती माता मारो कल्याण कर जो मारो कल्याण कर जो महाराज और माता जी कृपा करे ना थोड़ा दिन बाद माता जी ने भूल जावे
अरे कर्म में रवे कंकर तो कई करे बारो भोलो शंकर। तो भूलो मती केवे नी एक वो के दास संग राम राम ने भूलो किकर भूलिया भूंडी होई माज नो जावे बिखर बिकर जासी माज नो देवे गदारी झोण मोरा पड़ी पड़सी टाकिया उपलसी लोण। महाराज इन वास्ते भजो और काले तने नियम बतायो कोई जरूरी कोनी कमरा में एक आन बैठ भजन करनो रोटिया बनाओ तो ही भजो गाबा दो तो ही भजो और तो और अटत कोनी थाने गांव री बात कोनी करूं मैं तो मन में लई जो मती गरदने गाड़िया बोलो नी बिंटे मेरी भस्त रहना पड़ा था चिड़ते चिड़ते ही कट्टा कट्टे गया हो फालतू फिर बो कर अटने उठने घरों काम कर जे कोनी राम 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 घरों काम कर जे कोन थानो दो तीन गाड़े बोलो वे नहीं होना नहीं तो भगवान रो भजन भी कर लेना ठीक है नी। अब देखो माता बिना कितनी खुश रही है कि मरा अच्छा को काम किया माने तो जो गर्दन मत चिड़ भी जावा लड़ाई भी कर ले मन हाथ हाँ लड़ाई भी करो नी तो ही भगवान रो भजन राखनो के दे रणी थून हासू जी थे यू राम 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 थे एड़ा हो राम 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 करते रहो अपना दोनों काम हो जावे महाराज ठीक है। लेकिन हाँ अब यूं मत कर दो घर जान बिगड़ शुरू कर दो कि महाराज कह दियो कि भगवान ने भजन करो लड़ाई करो अपने लड़ाई झगड़ो दूर रहो है यू करी छोटी मोटी खटपट रहनी तो चले कहने की घणो प्रेम भी छक को नहीं छोटी मोटी रेवे नहीं तो हम एडजस्ट कर लेना ठीक है नी हाँ रोजीना नहीं भिड़ना पड़े। तो महाराज भगवान तो प्रेम रा भूखा है भावरा भूखा है हाँ यूं हसबो करो छोका लगो जीवन रमाने तकलीफ देने वाला कष्ट देने वाला दुखी करने वाला संसार घर ही लोग है लेकिन जो अपना चेहरा मत हंसी लावे प्रेम लावे मुस्कुराहट लावे वे अपना है। तो कथा माओ खूब हंसो खूब कथा सुनो खूब नाचो और खूब माता जी रे मंदिर वास्ते आपकी जितनी भी श्रद्धा रहे वो कोई जरूर को नहीं कोई लाख रुपए देना जितनी श्रद्धा रहे आपकी रसीद कटाई दो। और मैं तो क्यों अपन तो सीमेंट का कट्टा बोल देना हे भगवान हे माता जी थानो मंदिर बनेला ई में सीमेंट का कट्टो अपन भी लाग जा तो अपन कैसा का मारो सीमेंट का कट्टा लगोड़ा सा मंदिर मानो भी है सबरो अधिकार है एक नहीं सा है माता जी अपना आपा माता जी रा ठीक है जो सेवा करे माता जी रे ए कोई मत कोई मंदिर कोई उठान थोड़ी ले जाए मंदिर के वास्ते अपन वास्ते है ये तो माता जी सिर्फ सेवा करे थे भी आओ थे सेवा करो थे भगवान रो भजन लो माता जी सेवा करो आओ पधारो सब और हो सके जितो ही दान पुण्य करो माता जी वास्ते बढ़िया है ताकि अपना छोको मंदिर बन सके। बोले भक्त और भगवान की जय सती माता की जय हो। महाराज उद्धव जी महाराजों विद्रु जी रो मिलनो रियो और उद्धव जी विद्रु जी को भगवान जी बाल लीला वर्णन सुनियो और विद्रु जी महाराज मैत्री मुनि मिलिया और दोनों रो संवाद रियो मैत्री और उद्धव विद्रु जी महाराज रो संवाद रियो और विदुर जी पूछियो मैत्री मुनि कि मैं वो जाननी चाहूं कि भगवान आ सृष्टि परमात्मा क्यों बनावे किकर बनावे तो मैं बता दियो कि भगवान एकला रजा नहीं मन को लगे कि मैं एकलो एकलो बोर रहो अब कहीं करूं तो भगवान ब्रह्मा जी ने प्रकट कर दिया अब परमात्मा सृष्टि बनावे क्यों किन वास्ते बनावे वह हमने कथा सुनाऊ और क्यों कि भगवान कोई आप और भगत रहे भी ने बचाओ वास्ते अवतार ले ले और अवतारा रमाय ने कदी भगवान नरसिंह बन जान कणी वामन बन जान कणी वरा बन जावे ये सब की कर भगवान अवतार लेवे क्यों लेवे कि मैंने हवड़ कथा सुना वो और संसार रमाय ने कोई दुखी है सुखी है तो परमात्मा सबने और सुख दुख क्यों देवे क्यों के भगवान तो कदे कि ने कोई सुख दुख नहीं देवे कई क्यों भगवान के ने तकलीफ नहीं देवे को न कहूं सुख दुख दाता निज कृत कर्म भोग सब भाता जो जेड़ा कर्म करे नहीं बिने बड़ो फल मिल जावे
कर्म प्रदान विश्व रचिरा का जो जस कर ही तस फल जाका, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दिखेत में। अब मंद मायने फिर लोग बुरो हो चो भगवान भी ओडो कर दीजो वेड़ो रह जाइजो वेड़ो रह जाइजो। तो भगवान के भाई थारी भावना एड़ी है तू दूजर बुरो हो चे तो हंग अपने विरज रह जावे। तो अपन तो क्यों बुरो हो चो नहीं भगवान सब ने खुश राख जो जो अपना सती माता रावानी कड़ा अपना आशीर्वाद है भगवान थाने घना ही खुश राखी सोगा राख सब रो भलो करो सब। तो महाराज तीसरी बात पूछी भगवान अवतार क्यों लेवे और अवतार में भगवान रो भरा अवतार की कर रही हो। तो केवे कश्यप जी महाराज रे तेरा पत्नी आई कितनी कश्यप जी महाराज रे तेरा पत्नी आई विरमानु हेंगी हेंगो मोटड़ी पत्नी रो नाम हो दीति। दीति एक बार जान कश्यप जी महाराज ने कियो कि महाराज मारे हेंग बैनर तो टाबर टूबर है एन महंगो मोटोड़ी हूं मारे एक ही पुत्र को नहीं तो मारे माते कृपा करो ताकि मारे भी पुत्र हो जाओ मारी गोद सुनी है। तो कश्यप जी कियो कि देवी जरूर थारी भावना है और भावना परमात्मा जरूर पूरी करी लेकिन अबारो जो समय उस समय उपयुक्त नहीं है उस समय बार सही नहीं है तो थारी इच्छा बार पूरी नहीं हो सके। मन में जिद कर ली कश्यप जी महाराज मना करियो देखो हमारा वो शाम रो समय देखो आपने भी कह दू मारी माता मैंने सब बैठ बिराज जुड़ा कि कोई भी आप सांसारिक कोई काम करो मेरे समय दे क्या करो समय उपयुक्त होना चाहिए। बिना सांसारिक काम आप भगवान ने समय को करोड़ा तो आपने बड़ो बड़ो पाप लगेगा। एक तो सुबह रो समय दूजो एक शाम रो समय वो भगवान री भक्ति रो रिया करे और शाम रे टाइम तो शंकर भगवान का गण घूमपो करे और भगवान रो भजन रो समय बिन टाइम रे कोई भी सांसारिक काम नहीं करनो ग्रस्त रो जो सांसारिक काम वो काम नहीं करनो महाराज। अबे कश्यप सिंह ने जबरदस्ती जिको नहीं होनो चाहिए वो शाम रे समय में हो जावे। कश्यप सिंह कहवे कि देवी उस समय सही नहीं होन थे वो काम करियो हो अब थाने गर्भ सु दो पुत्र रेवेला लेकिन दोनों ही राक्षस रेवेला क्योंकि सामरे समय थे गर्भ धारण करियो हो इन सु थाने पुत्र तो रेवेला लेकिन दोनों ही राक्षस रेवेला। अब पगा पड़गा भगवान किरे कश्यप जी रे के बोले माफ कर दो मारू गलती होगी के देवी अब जो रही जुगत रही लेकिन थारो जो को पोतो रेवेला वो भगवान रो बड़ो भगत रेला वीर नाम रेवेला प्रहलाद जी महाराज। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। महाराज अबे महाराज दीति मैया रे गर्भ मायने वे दोनों राक्षस आएगा और दिनों दिन बढ़ रही है क्यों राक्षसा दिनों दिन बढ़ रही है और उन्होंने प्रकाश फैल रही है और धरती बन कापन लागी बन कारण क्या बहुत ही बड़ा राक्षस रेवेला पापी रेवेला दुराचारी रेवेला और धरती माते भक्ता ने घना सतावेला संत महात्मा ने सतावेला। तो ये दोनों राक्षस हा कौन गर्भ में आया राक्षस हा कौन। तो महाराज ब्रह्मा जी के कि एक बार मारा मानस पुत्र है सनकादिक कई कई नाम हो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये चारों मारा मानस पुत्र है एंड रोज रो नियम है कि सुबह सुबह भगवान रा दर्शन करने जाया करे चारों। तो महाराज एक बार भगवान ने कोई काम काज हो जब भगवान मैंने कह दिया कोई भी आवे तो अंदर आऊं दीजिए मती कई क्यों अंदर आऊं दीजिए मती। देखो आपने एक बात मन याद आएगी कह दू कहीं अरे बोलो तो सरी हाँ कह दो महाराज तो मन ने कि हाँ कह दू मन में आवाज रोकनी नहीं थाने ठा है
जिन टेमरा राम जी रावण ने मार मुरान पाचा राज करना आएगा और आपने लीला पूरी कर ली। अबे भगवान ने कियो, कौन आया भगवान करने? यमराज आयो। कौन आयो? यमराज और काल दोनों आएगा भगवान करने। भगवान मैंने देखते क्यों आ जाओ कमरा में जाओ, क्या भगवान आपको बात करनी चाहिए, वहां मिलना आया, अंदर आ जाओ। जने भगवान लक्ष्मण ने कियो किने मायने मत आउन दीजे, कई कियो किने मायने मत आउन दीजे, थे बारो उबरो ध्यान रहा जो कोई मायने नहीं आनो चीजे। उन जो बहुत अच्छी बात बता रही हूं, राम जी आगे दी कि चाहे कुछ भी हो जाए किने मायने मत आउन दीजो। मायने कौन आयोड़ा? यमराज। और यमराज कौन है? किन का नाम है? काल आयोड़ो। और भगवान ने चरणाम पड़िया, भगवान क्या बात, लीला पूरी रहेगी प्रभु, अब हालो कही भगवान ने कियो, अबे हेलो अटपड़ दुर्वासा ऋषि आएगा कि मैंने भगवान को काम में मिलना है,